नमस्कार, मैं हूं दीपिका पाथरे और आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का कार्यक्रम एंटरटेनमेंट इनसाइट। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपकी मुलाकात कराते हैं हर बार एक नई शख्सियत से, तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मॉडलिंग इंडस्ट्री से लेकर म्यूजिक तक का सफर तय करने वाली एक्टर, जो कि आपको आने वाली हॉरर फिल्म KC90 में भी देखने को मिलेंगी। नीति जी, बातों का सिलसिला जारी करने से पहले सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और एंड फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। मैं हाथरस से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी दो सिस्टर हैं छोटी। ज़्यादा नॉर्मल सी फैमिली है और मम्मी कैनरा बैंक कार सिटी में ट्रेनिंग देती हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी। पापा भी बिजनेस करते हैं खुद का। हाँ, और कुछ स्कूल के बारे में? स्कूल में मैं स्टार्टिंग से काफ़ी नोटी बच्चों में रही हूँ, कभी टीचर्स की कोई बात नहीं सुनती थी। ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन हाँ, नोटी बच्चों में मेरा ऐसा टॉप पे नेम रहता था कि हाँ, नीति हमेशा शरारत करती है। अच्छा, स्कूल में कॉम्पिटिशन होते थे तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था कभी? हाँ, पार्टिसिपेट करती थी मैं, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि पार्टिसिपेट कर दिया, स्टेज पे चले गए हैं और वहाँ पे सॉन्ग स्टार्ट हो गया और हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा एक बार नहीं, बच्चों में आपकी गिनती थी। हाँ हाँ, एक बार भी ऐसा हुआ था कि मैंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पर और सॉन्ग प्ले हो जाता है और मेरा नाम भी अनाउंस हो जाता है कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और स्टेज पर जाके मैं उतर के आ जाती, मैं नहीं कर रही थी, मम्मी मुझे वहाँ से डांट रही हैं कि करो करो, तो ऐसा होता था। अच्छा, हाथरस जैसे छोटे से शहर से निकलने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, तो आपने लोगों की मानसिकता को कैसे अवॉइड किया होगा? मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। मैंने उन्हें बताया कि पापा मुझे एक्टिंग लाइन में इंटरेस्ट है, मुझे मॉडलिंग करनी है, तो थोड़ा सा हुआ था कि डैडी ने बोला कि कुछ अच्छा क्यों नहीं करना, मतलब उनको भी, उनका फर्स्ट जो रिएक्शन था वो भी ये था कुछ और क्यों नहीं करना, मतलब तुम्हें यही क्यों करना है। अच्छा, माता पिता का क्या सोचना था कि आप आगे क्या बने? उनको भी यही था कि ऐसा, उन्होंने मेरे लिए कुछ पहले से माइंड में सेटअप नहीं किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन उनका भी यही था कि कोई जॉब करूं मैं, जैसे बाकी सारे पेरेंट्स का होता है, तो गवर्नमेंट जॉब। हाँ हाँ, गवर्नमेंट जॉब लाइक बैंक में या ऐसा कुछ। जैसे कि नीति जी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुनने में आता है कि वहाँ पर जो भी फ्रेशर जाते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण होता है, फिल्म इंडस्ट्री बदनाम है, तो इस तरीके से आपको, आपका इस बारे में क्या कहना होगा? जैसे फ्रेशर जाते हैं तो आपने जो बोला कि जैसे इंडस्ट्री बदनाम है, बदनाम इंडस्ट्री यहाँ की हमारी मेंटेलिटी की वजह से है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं, या हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये एक हिंदू समाज है, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो अभी यहाँ पे इतना वो नहीं है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्टिंग के लिए बोले। अभी कोई भी करियर चूज करने की बात आती है तो कभी पेरेंट्स ये नहीं करते कि बेटा एक्टर बनो, हमेशा यही चीज़ आती है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो यहाँ पे आ जाता है कि सबने अपनी मेंटेलिटी बना ली है ऐसी कि वहाँ पे बहुत शोषण होता है। पर यह है कि जो भी हमारे फ्रेशर्स जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें किससे मिलना है। फेक लोग भी काफ़ी हैं, वो फेक लोगों से मिल लेते हैं, फेक लोगों से मिल लिए, उन्होंने पैसे ले लिए या और भी तरीके से उनका कैसे भी शोषण हो गया, तो वो उनकी वजह से होता है जो फेक हैं। और वो रियल, जो रियल हैं, जो भी हमारे यहाँ पे वर्क करते हैं, जो अच्छे डायरेक्टर हैं, वो कभी शोषण नहीं करेंगे, बिकॉज उनको, उनकी खुद की एक इमेज है इंडस्ट्री में, तो वो कभी ऐसा काम नहीं करते। बस यही है कि फ्रेशर है, उनको पता नहीं होता, आ जाते हैं फिर निराश हो जाते हैं कि इंडस्ट्री में उनका कुछ काम नहीं हो रहा, उनका शोषण हो रहा है, और वो घर आके बैठ जाते हैं। अच्छा, 2018 में आप एक मॉडल शो की कंटेस्टेंट भी रही हैं, तो फाइनल कंटेस्टेंट रही हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया हुआ था, ग्लैमवर्स एंटरटेनमेंट उसका नेम है। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, इसके जो डायरेक्टर थे वो जगनूर अनेजा और वरुण झाम्बा थे, जो कि लव स्कूल में, लव स्कूल के उनके पास फेम है। अच्छा, और इसके जो जजेस थे, फाइनल जजेस, वो करण कुंद्रा, अनुषा मैम उनकी गर्लफ्रेंड है, अनुषा मैम, अंकित भाटला, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो आए थे। तो आपको कुछ इसमें अचीवमेंट मिला था? हाँ, उसमें मुझे मिस परफेक्ट रैम वॉक इन अ फीमेल जी। Perfect. अच्छा, आपने हरियाणवी सॉन्ग भी किए हैं? हाँ, हरियाणवी सॉन्ग अभी से मैंने स्टार्ट किया है, हरियाणवी सॉन्ग मेरे अभी आए हैं, जस्ट एक आज ही आया है सिलेंडर कुछ। हाँ, तो जो मेरा सॉन्ग है वो विक्रम राजपूत के साथ आया है, इसमें उन्होंने मेरे साथ लीड वर्क किया है,
वो और भी काफी सॉन्ग कर चुके हैं वो। तो इससे पहले आपने और हरियाणवी सॉन्ग किए हैं क्या? हाँ, इससे पहले मेरा एक उन्हीं के साथ आया था, चंगा लगदा सॉन्ग। अच्छा, हरियाणवी सॉन्ग करने के दौरान आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? वहाँ का कुछ कल्चर आपको देखने को मिला? हाँ, मतलब थोड़ा वही फनी होता है क्योंकि गांव में जाके शूटिंग होती है। अच्छा, वहाँ की लैंग्वेज भी कुछ अलग है हरियाणवी की? हाँ हाँ, हरियाणवी लैंग्वेज अलग है लेकिन उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो जैसे गांव में जाके शूटिंग रहती है तो काफ़ी भीड़ आ जाती है कि क्या हो रहा है, और बहुत ज़्यादा वहाँ क्रू इकट्ठा हो जाता है तो शूटिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उनको बोलो कि आप साइड हो जाओ तो वो नहीं कि हम भी आने चाहिए, उनको ये रहता है कि हम भी दिखने चाहिए फ्रेम में, तो नहीं होता। अच्छा, आपकी एक मूवी भी आ रही है KC-19 हॉरर। हाँ, मेरी तो, KC-19 हॉरर फिल्म है वो। तो स्टार कास्ट कौन कौन है आपके उसमें? उसमें शार्दुल राणा, संयम सेठ, तो ये दोनों बधाइयों मूवी में आए हुए हैं जी। उनको बधाइयों मूवी की फेम मिली हुई है। अच्छा, आपका जी म्यूजिक पर भी एक सॉन्ग आ चुका है। हाँ, मेरा जी म्यूजिक से आया था जॉइंट मनाली सॉन्ग, उसके सिंगर हनी पचौरी हैं और उन्होंने उसमें रैप दी है, विजय सर ने दी है, वो पंजाबी सिंगर हैं, रैप करते हैं। आलो जरा कस के दो कश तुम इसके सर घूम जाएगा, मजा आ जाएगा रे। एक्टिंग एंड मॉडलिंग के अलावा क्या क्या हॉबी हैं? डांस और योगा। योगा, मैं इंटरनेशनल योगा प्लेयर हूँ, मैं योगा करती हूँ, योगा में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, करती भी हूँ मैं। अच्छा, आपकी लाइफ में गुड एक्सपीरियंस भी, सबकी लाइफ में गुड एक्सपीरियंस भी होते हैं, बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, बैड एक्सपीरियंस तो ऐसा कभी ज़्यादा फील मैंने किसी चीज़ को ज़्यादा माइंड किया नहीं, पर हाँ ऐसा एक बार हुआ था कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये सॉन्ग वगैरह किए थे, सारे लोगों को पता चला, जैसे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, या तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया कि ये क्या कर रही है, फालतू का है, छोड़ दे, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, या ऐसा कुछ। तो फिर ये कि फैमिली को भी पता चलता है तो उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है, तो एक बार लगा भी मुझे कि हाँ छोड़ देना चाहिए या अब आगे नहीं करना चाहिए। तो फिर आपने कैसे आगे इस लाइन तक, आप आगे यहाँ इस सफ़र तक कैसे आई? फिर आपको तब लगा था कि हाँ आपको ये छोड़ देना चाहिए, फिर आपने कैसे दोबारा मोटिवेट हुए हैं आप अपने आप में? हमेशा मुझे माँ ने ही मेरे सपोर्ट किया है, उन्होंने मेरे को फिर से मोटिवेट किया, क्योंकि माँ मेरी फैशन डिज़ाइनर और ब्यूटीशियन भी हैं, तो कहीं ना कहीं फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटीशियन का ये एक्टिंग लाइन में हमेशा रिलेटेड है ये चीज़ें। हाँ, तो उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया और उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमेशा। तो उन्होंने मुझे बताया कि सब लोग डीमोटिवेट करेंगे बट तुम्हें आगे बढ़ना है, जब तुमने अपना माइंड सेट कर लिया है कि मुझे इस लाइन में जाना है, तो हाँ माँ का ही सपोर्ट था। नीति जी, जो यूथ है जो आप जैसा इस लाइन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये कि उनकी फैमिली सपोर्ट करे, क्योंकि अगर उनके पास ये टैलेंट है कि वो एक्टिंग करते हैं या उनका एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो उनकी फैमिली सपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज फैमिली का सपोर्ट होगा तभी वो आगे जा सकते हैं, घर से बाहर निकलना है, बाहर जाना है। तो यही मैसेज है कि आप लोग मेहनत करो, फैमिली सपोर्ट करे, तो आप ऑब्वियसली बात है जाओगे, आगे बढ़ोगे। अच्छा, आपका कोई एक्टर या मॉडल कोई फेवरेट है आपका, जिसके जिसके जैसा आप देखना चाहती हो, उसके उसके जैसा आपने आपको? हाँ, कैटरीना कैफ मेरी फेवरेट है जी। और दिशा पाटनी भी मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन, आपका लाइफ का गोल क्या है, एम क्या है आपकी लाइफ में? यही कि मुझे बॉलीवुड में दिखना है, एक्टिंग ही मेरा करियर है, तो मुझे बड़े पर्दे पर और दिखना है, अभी मुझे और आगे काम करना है। अच्छा, अभी आपका कोई सॉन्ग या कोई शो पाइपलाइन में है आपका? हाँ, अभी मेरा एक टी सीरीज से सॉन्ग पाइपलाइन में है, तो अच्छा। अभी उसका मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती। ओके, बाकी और भी काफ़ी वेब सीरीज़ वगैरह चल रहे हैं जिनकी शूटिंग अभी कंटिन्यू हो रखा है। अच्छा नीति जी, इतनी सारी बात करने के लिए हमारे साथ धन्यवाद।
मैम पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूँगी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बाकी टीम 30 इंडिया की पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक्स है, उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। टीवी 30 इंडिया मॉडलिंग और एक्टिंग से रिलेटेड न्यूज़ों पे काफ़ी काम करता है, ऐसी न्यूज़ें बहुत ज़्यादा लाता है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी न्यूज़ों में इंटरेस्ट है कि आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए रहती है, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरीके की और अधिक मॉडलिंग, एक्टिंग एवं टीवी सीरियल से जुड़ी गॉसिप को जानने के लिए आप टीवी 30 इंडिया के एंड्रॉयड ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.tv30india.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और बाकी की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया से। धन्यवाद। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।